हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में आप संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाउडर ORS के बारे में, जिसे आसान भाषा में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाता है, और क्या क्या इसके यूज़ क्या होते हैं, या फिर ये जो ORS होता है इसको कितनी प्रकार से यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके घोलने का तरीका, ये जो ORS होता है इसे कैसे कैसे घोला जाता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की, ये जो ORS होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जानेंगे हम इसकी वार्निंग्स की, यानी इसे खाते समय या फिर इसे लेते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए फ्रेंड, जानते हैं ORS के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ORS की। ये जो ORS होता है, ये सोडियम और पोटेशियम आयनों की क्या होता है, प्रिपरेशन होती है। और इस ORS का यूज जो किया जाता है, दस्तों के दौरान जैसे कमजोरी होना या फिर कमजोरी के से क्या होते हैं चक्कर आना, तब इस ORS का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं, तो ये अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाता है। जैसे क्या हो सकता है, ORS के नाम से मिल सकता है, या फिर इलेक्ट्रोल के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। ये इसके क्या होते हैं कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, एक सैचेट फॉर्म में मिलता है, जिसका जो वजन पाया जाता है 20.5 ग्राम पाया जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके घोलने का तरीका, यानी इस सैचेट को 1 लीटर पानी में मिलाकर मरीज को पिलाया जाता है। और मार्केट में ये रेडी मिक्स में भी उपलब्ध होता है, जो 200 ml की जूसिस फॉर्म में पाया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। ये जो ORS होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यानी इस सैचेट का यूज जो किया जाता है, दस्त के दौरान यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को क्या हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, उसके दौरान क्या हो जाती है, उसे शरीर में कमजोरी आ जाती है, या फिर उसमें पानी की क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, जिससे उसे क्या होता है चक्कर आने लग जाते हैं, तब ORS का यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है, जब दस्त के दौरान क्या हो जाते हैं, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं या फिर इनबैलेंस हो जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए इस सैचेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जब गर्मियों में हम धूप में जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी फिर पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए इस ORS का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही इस ORS का बुखार में भी यूज किया जाता है। जब किसी पेशेंट को क्या होता है, बुखार होता है, या फिर बुखार के दौरान क्या हो जाती है, उसे कमजोरी आ जाती है, या फिर उससे उठा नहीं जाता है, या फिर उससे चला नहीं जाता है, तब ORS का यूज किया जाता है, और वहाँ इससे अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। साथ ही जब किसी पेशेंट को क्या हो जाती है, बीपी की समस्या हो जाती है, जिसके कारण उसे कमजोरी होने लगती है, जिससे उसे उठा नहीं जाता है, तब ORS का यूज किया जाता है, और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके घोलने का तरीका, यानी इस सैचेट को कैसे कैसे घोला जाता है। यानी इसे 1 लीटर पानी लेना होता है, उसे पहले सबसे पहले बॉयल करना होता है, और बॉयल करने के बाद उसे ठंडा करना होता है, फिर उसमें ORS को मिलाया जाता है, तब उसे पिया जाता है। और ये मार्केट में रेडी मिक्स में भी उपलब्ध होता है, जो 200 ml की जूसेस बोतल में भी मिलता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। ये जो ORS होता है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, यदि इसे पीते समय क्या हो रही है, नोजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत हो रही है, तो इसकी क्वांटिटी को कम कर दें। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की, यानी इसे पीते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि किसी पेशेंट को क्या हो रही है, उल्टी बार बार उल्टी लग रही है, तो इस ORS को नहीं पीना चाहिए, या फिर इसकी क्वांटिटी क्या है कम कर देनी चाहिए। यदि कोई पेशेंट है, उसे बीपी बढ़ता हो, तो भी इस ORS का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे क्या बार बार पेशाब लगता है, तो भी इस ORS को नहीं प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड, इस बात करते हैं इसके स्टोरेज की, यानी इसे कैसे कैसे रखा जाता है, यानी इसे ड्राई और कूल प्लेस पे रखा जाता है, और इसे मॉइस्चराइज से भी बचाया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।